एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आज मैं एक नए रेस्टोरेंट में जा रही हूँ रिव्यू करने। ये वेज रेस्टोरेंट है, करामा में है और बहुत मजा आने वाला है। लेट्स गो। तो मैं आ गई हूँ रंगोली रेस्टोरेंट में। और अगर आप इंडियन वेज रेस्टोरेंट में आते हैं तो गोलगप्पा या पानी पूरी खाए बिना तो मन ही नहीं भरता। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑर्डर किए हैं पानी पूरी और गोलगप्पा, व्हाट एवर यू वांट टू से। उन्होंने साथ में हमें तीन तरह की फिलिंग दी है। दिस इज़ मूंग एंड चना फिलिंग, दिस इज़ रगड़ा एंड दिस इज़ आलू, जो टिपिकल नॉर्थ इंडियन होता है। तो सब दिया है, वट एवर यू वॉन्ट टू ईट यू कैन हैव इट। सो हियर आई गो, क्रिस्पी दे आर। आई विल फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद मूंग चना। दिस इज मीठी चटनी एंड दिस इज तीखा पानी। ओ माई गॉड, माई माउथ इज सो वाटरिंग राइट नाउ, आई कांट टॉक बिकॉज आई वॉन्ट टू ईट। बहुत ही यम है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लगा मुझे ये तीनों का। तो अब मैं ये सारी की सारी खाने वाली हूँ। सो अब बारी है स्प्रिंग रोल्स की, मेरे ऑल टाइम फेवरेट। इसको इन्होंने इस चटनी के साथ सर्व किया है। लेट्स ट्राई इट, लेट मी डिग इन। रियली नाइस, स्पाइसी स्पाइसी स्प्रिंग रोल्स के साथ ठंडा ठंडा फ्रूट पंच। थैंक यू। व्हेन यू वांट टू ईट एवरीथिंग ऑर्डर थाली। तो अभी थाली आ चुकी है मेरी, यू कैन सी कितनी बड़ी थाली है और कितना कुछ है। अभी विक्रम सिंह जी हमें बताएंगे कि इसमें क्या क्या है। हाँ जी मैडम, ये मिंट मसाला छाछ है, सबसे फर्स्ट आपको रखा है मिंट मसाला छाछ है। उसके बाद आपका स्टार्टर में है कोकोनट पेटिस पात्रा। उसके बाद आपका ये चाट आइटम है शेव पूरी। उसके बाद मेन कोर्स में है आपका पनीर टिक्का मसाला, चौली मकई यानी लॉन्ग बीन्स जिसको बोलते हैं, उसके साथ मकई है। फिर बेसन गट्टा जोधपुरी गट्टा, फिर आपका गुजराती दाल है, गुजराती कढ़ी है, दाल फ्राई है तड़का दाल नमकीन दाल। स्वीट में है आपका एक जयपुरी खीर है, दूसरा आपका काला जामुन है ड्राई, और ग्रीन सलाद है, पूरी है, फुलका रोटी है, मसाला खिचड़ी है, स्टीम राइस है। Oh my God, इतना कुछ है, अनलिमिटेड थाली। ओके थैंक यू सो मच। और ये अनलिमिटेड है, आप एक जन ये थाली लेके जितना चाहिए उतना खा सकते हैं। एंजॉय। ओके थैंक यू। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले मैं स्टार्टर ट्राई करूँगी। लेट्स ट्राई दिस खोपरा पैटीज। ओह माय गॉड, विद सम ग्रीन चटनी। और अब चाट की बारी। ये सेव बटाटा पूरी है। तो थाली में इतना कुछ है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ से धीरे धीरे, लेकिन ये फुलका देख के मन कर रहा है फटाक से शुरू कर ही लो। बहुत ही सॉफ्ट घी में चुपड़ा हुआ फुलका है। तो मैं पनीर की सब्जी के साथ ट्राई करती हूँ इसे। बहुत अच्छा टेस्ट है खाने का। चपाती बहुत अच्छी है, एकदम आटे की सॉफ्ट सॉफ्ट चपाती है, बहुत यम लग रही है। और अब
मैं इसे इंजॉय करूँगी, आप भी यहाँ पे आए और इंजॉय करें। खाली तो मैंने खा लिया, मेरा पेट और भर गया और हाथ भी तो साफ करने हैं। थाली बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया टेस्ट था खाने का, और स्पेशली चपाती बहुत अच्छी लगी मुझे, फुली फुली सॉफ्ट सॉफ्ट। सर्दियों का मौसम है और गाजर का हलवा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। लेट्स डिग इन माय ऑल टाइम फेवरेट डिज़र्ट, गाजर का हलवा। आप देख सकते हैं कितना यम लग रहा है, और खोया है इसमें, ड्राई फ्रूट्स हैं। अगर आपको सर्दियों में गाजर का हलवा खाने का क्रेविंग हो रहा है, दिस इज़ द बेस्ट आई हैड सॉरी। बहुत ही हम गाजर का हलवा है, गरम गरम गाजर का हलवा। तो मैंने खाना खा लिया है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और अगर आपको वेदर इंजॉय करना है तो दे हैव आउटडोर सीटिंग ऑल्सो, बहुत अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है लोगों को। तो आप भी आइए एंड एंजॉय कीजिए।